तो भैया शुरू करते हैं अपनी व्लॉगिंग। ये ट्रिप हमारे मामा स्पॉन्सर कर रहे हैं। मेंबर्स थोड़े ज्यादा हो चुके हैं तो मामा को मेंबर्स बस 19-20 हैं, 3-4 गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो, चप्पल तो पहन ले। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम तैयार हैं मनाली के लिए निकलने के लिए। हम पलवल से निकल चुके हैं और इस टाइम पे हम हैं केएमपी एक्सप्रेस वे पे। हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी चल रहे हैं तो हम वेट कर रहे हैं अपनी दूसरी गाड़ियों का आने का। जैसा कि आप सभी को पता ही है किसान आंदोलन चल रहा है तो उसी के कारण सभी टोल प्लाजा को बंद कर रखा है, कोई टोल टैक्स नहीं लग रहा है तो इससे अपना तो कुछ फायदा ही हो रहा है। 3600 जांदे पोड़ी शूक दे बच्चे कहारा थारा ओ बुक दे पुत किसाना दे ला इनकलाब दा नारा तेरे वांगू सानू हेर फेर कटियों दे नहीं रही बच के वाले हैं कुछ खाने के लिए। और ये है हमारी कार का इंटीरियर जो कि हमने पूरी तरह से मॉडिफाई कर रखा है। इस टाइम पे हम हैं पंजाब बॉर्डर पे और हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में एंट्री। सही है सर, देहर पावर हाउस। तो ये है पंडोर डैम। इस डैम का नाम इस जगह के नाम पर रखा गया है और ये डैम ब्यास नदी पर है। फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इन डैम एरिया, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रूल्स को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। अटल टनल आ गई, काम चल रहा है अभी, पूरी होने के बाद बड़ी के साथ जोड़ देंगे। दूसरा कनेक्शन गया है इसका। वाह, घंटे का रास्ता हो रहा है बस, उम्मीद तो है पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटे में। 5:40, हाँ शाम के 5:40 हो गए हैं तो 8 बजे तक का ही एस्टिमेट था। किलोमीटर 31 कुल्लू 72 मनाली। जाना है लेफ्ट अंदर टनल में। यातायात सुरंग आरंभ, गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वेलकम टू कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और इस टाइम पे शाम के 7:30 का टाइम हो चुका है और हमें पहुंचने में भी 1 घंटे का टाइम और लगने वाला है।
हम अपने होटल पहुंच चुके हैं जो कि ओल्ड मनाली में है, हिडिंबा टेंपल के पास। तो ये है हमारा रूम, छोटा सा रूम है, एक बेड इधर है और ये अपना किचन एरिया अगर यूज करना चाहे तो। और इसमें हमारा ये ड्यूप्लेक्स रूम है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है। अपने गद्दे डाल लेंगे, गाड़ी में लाए थे। तो बाहर का व्यू भी देख लेते हैं, पर वैसे रात हो गई है तो कुछ खास व्यू अभी आने की उम्मीद नहीं है। कुछ खास मॉर्निंग में दिखाते हैं ये। ओ ये किचन एरिया, बड़ा रूम। और ये विंडो ओपन है, नाइस रूम। ये हमारा थर्ड रूम है, इसका नंबर भी 3 है। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है। भाई साहब इसका तो बाथरूम एक्स्ट्रा लार्ज। चलिए रूम देखते हैं। एक किंग साइज बेड और एक क्वीन साइज बेड। व्यू अच्छा ही होगा पर अभी रात का टाइम है तो कुछ खास दिखेगा नहीं, मॉर्निंग में दिखाते हैं। और अब चलते हैं गेम एरिया में खेलने। येलो लिख सके हैं एक मेरे साथ है, येलो तो वो है, सॉलिड है ना, कोई बात ना, वो भी आएगी, एक मैच जीत रहा हूँ मैं देखता है, चाहे कितने भी जीत रहा हूँ, हम होना, सुविधा, तेरी क्या काम की, तेरा, तेरा ना देख ले, तू पावल हो जाता है, एडवांटेज से ले दिया, लेकिन हो गई 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 गई